यत तो ही अपि कौन्तेया पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यत तो ही अपि कौन्तेया पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो भगवान यहां बहुत ही ज्ञान की बात बता रहे हैं। हालांकि देखा जाए भगवान जो कुछ कहते हैं वो ज्ञान से परिपूर्ण होता है, और यहां एक और बहुत ही व्यावहारिक बात भगवान कहते हैं कि इंद्रियां बहुत प्रबल है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेंगे, अपनी आंखों को वश में कर लेंगे और हम सीरियल्स नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, वो नहीं देखेंगे, और हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, है ना, ना ना करता रहे, लेकिन इंद्रियों में इतनी शक्ति है कि जैसे ही कोई मौका आपके सामने आएगा आप रुक नहीं पाएंगे जब तक कि आपके पास उत्तम रस ना हो। इंद्रियां उत्तम रस में लगी होंगी तो आपको खींचेंगी ही नहीं, तुच्छ रस की तरह। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना भक्ति के अपनी इंद्रियों को वश में लाने की कोशिश करता है तो ऐसे विवेकी पुरुष, विवेकी इसलिए क्योंकि उसने ये जाना कि इंद्रियों को वश में करने की जरूरत है। हर व्यक्ति नहीं समझ पाता कि मुझे ही अपनी इंद्रियों को वश में करना है। हर व्यक्ति नहीं समझ पाता। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धिः परस्तु सः। यानी कि जड़ पदार्थों की अपेक्षा इंद्रियों का महत्व है और इंद्रियों के ऊपर मन का शासन है और मन के ऊपर आत्मा का निवास है, आत्मा का शासन है। लेकिन होता उल्टा है, आत्मा मन के नीचे आ जाता है व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो। यानी जो मन है वो आत्मा को दौड़ाता है और इंद्रियां मन को दौड़ाने लगती हैं, बुद्धि को दौड़ाने लगती हैं। तो हम भूल जाते हैं कि इंद्रियों को हमें कंट्रोल में करना है, हमें वश में लाना है। तो ऐसा व्यक्ति जो इंद्रियों को वश में लाने का प्रयत्न करता है तो इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान है, इतनी तेजी से काम करती है, एक झटके से आपकी आंख यूं मुड़ जाती है। कहीं भी आपको अगर किसी ने कहा कि वहां कोई अश्लील दृश्य है वहां मत देखना, बाएं बाजू मत देखना, बाएं तरफ मत देखना, आप कहेंगे कि ठीक है नहीं देखेंगे, लेकिन एक झटके में आपकी आंख मुड़ जाएगी और आंख अपना विषय ग्रहण कर लेंगे। और इसी प्रकार से अगर आपको किसी ने कहा कि ये चीजें मत खाना, हाँ डॉक्टर ने आपको मना किया है लेकिन आपको वो चीज बहुत अच्छी लगती है, तो आप कहेंगे ठीक है नहीं खाएंगे, मगर चोरी छिपे थोड़ा सा, चाहे थोड़ा सा ही आप लें, मगर आप लेंगे जरूर। तो इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, इतनी शक्तिशाली हैं, ये विषयुक्त सांप की तरह हैं, सारी इंद्रियां सांप की तरह हैं, कि जिनका डसा पानी भी नहीं मांगता। तो इतनी भयंकर रूप से इंद्रियां आपको अपना दास बना लेती हैं, आप गोदास हो जाते हैं। तो अगर आप देखें तो इतिहास में विश्वामित्र जैसे महर्षि और पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। हालांकि वो जो तपस्या कर रहे थे वो अपनी इंद्रियों के संयम के लिए कर रहे थे, बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन जब मेनका सामने आई तो विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई, अपनी इंद्रियों पर से उनका शासन हट गया, उनका स्वामित्व हट गया और वो गोदास हो गए। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगता है, इंद्रियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, ये इंद्रियां दंतहीन विषधर के समान हो जाती है, दंतहीन सांप के समान। अगर सांप के आप दांत तोड़ दीजिए जिससे कि वो विष निकालता है तो वो बेकार हो जाता है, फिर वो सांप काट नहीं सकता। तो ऐसा सांप आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वैसी इंद्रियां भी आपकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उल्टा वो इंद्रियां भगवान से संबंधित रस को और अधिक गहन करके आप तक लाती है। भगवान विषयक रस आप उन इंद्रियों के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से ग्रहण करने लगते हैं, अगर इंद्रियों के आप स्वामी हो जाते हैं और आप उन्हें भगवान की सेवा में रत कर देते हैं। तो भगवान यहाँ पर बहुत सुंदर बात बताते हैं। और देखा जाए तो एक परम भक्त है यमुनाचार्य श्रील प्रभुपाद, उनका उदाहरण अपने तात्पर्य में लिखते हैं। यद वधि मम चेतः कृष्ण पदार विंदे नव नव रस धामन युद्यतम रंतु मासी
तद्वधि वत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकारः सुष्ठुः निष्ठी वनञ्च। जब से मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदुओं की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और ऐसे विचार पर मैं थू थू करने लगता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति इतनी सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से जो भौतिक भोग है उसे आपको कंट्रोल नहीं करना पड़ता, वो स्वतः ही नीरस हो जाता है, रस विहीन हो जाता है, क्योंकि आपको दिव्य रस की अनुभूति होने लगती है और वो भी नित नई रस, नए नए रस, नवीन रस, नूतन रस वो आपको मिलने लगते हैं कि उनके आगे आपको इंद्रियों से मिलने वाले रस फीके नजर आते हैं।